सत श्री अकाल जी, अजीत वैब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरदीप सिंह ढींडसा। अज असी खड़े हाँ होला महला के मौके पर किला आनंदगढ़ साहब के विच, जिथे संगतों के लिए एक विशेष पहल जिहड़ी है इस गुरुद्वारा साहब वालों की गई है, प्रबंधकों वालों की गई है। और जिवें असी देखते हैं कि सारे बहुत सारे होले महल्ले जिहड़े लंगर है वो लगे हुए हैं, और किला आनंदगढ़ साहब के जिहड़ी लंगर की सहूलत को लैके एक स्टीम का प्रोजैक्ट जिहड़ा है वो शुरू किया गया है प्रबंधकों वालों। और असी तुहानू दिखावांगे कि किस तरह यह जिहड़ा स्टीम के नाल चलण वाला प्रोजैक्ट है, किस तरह जिहड़ा लंगर है तैयार किया जाता है, और संगतां नूं किस तरह जल्दी और जिहड़ा ताज़ा जिहड़ा लंगर है वो प्राप्त हुंदा है। और साडे नाल प्रबंधक भी ने इत्थे, उहनां दे नाल असीं बाद च गल करदे हां। सो बाबा जी, पहला तो आपां देख लईए कि प्रोजैक्ट जिहड़ा है वह की हैगा जी, सानूं थोड़ा जिहा इस प्रोजैक्ट बारे दसो, जिवें इहदे विच खीर बनाई जा रही है, सो इह सारा प्रोजैक्ट की है सर? ये प्रोजैक्ट यह है जी, इस स्टीम नाल तैयार हुंदा। जे असीं खीर अग दे उत्ते बनाउणी होवे, गैस ते बनाउणी होवे, उन्होंने जो 2 घंटे लगते हैं तो ये सानू 1 घंटे के खीर तैयार हो जाती है जी, क्योंकि साडा खर्चा भी घट जाता तो जिहड़ा भोजन है वो छेती तैयार किया जाता जी। सो बाबा जी, हर रोज़ जिहड़ा हैगा कार सेवा किला आनंदगढ़ साहब वालों किन्ना लंगर तैयार किया जाता जिहड़ियां संगतां इत्थे आउंदियां अज कल होले महल्ले नूं खास तौर ते? होले महल्ले नूं खास रख करके बेनती है जी, संगतां दे नाल ही जिवें जिवें संगतां वध जांदियां ने उस हिसाब नाल साडे असीं उहदी कपैसिटी जिहड़ी लंगर दी वधा दिंदे आ, क्योंकि ताज़ा लंगर तैयार कर रहे हैं, क्योंकि पहला तैयार करने की कोई जरूरत नहीं पैंती, क्योंकि इस टाइम जो साढ़े को लग चुका प्रोजैक्ट ये लंगर करना बहुत सौखा तो सुखाला हो गया। तो थोड़ा सानू दस्यो किस तरह स्टीम के नाल किस तरह यह सारा यह सिस्टम जो काम करता है? जो बॉयलर जो पिछले पासे लगा हुआ वो अग बलदी आ, वो स्टीम के नाल सारे भाप के नाल लंगर तैयार होता, ये यानी कि दागी नहीं होंगी, ये थले नहीं लगती, यदा स्वाद जो बिल्कुल बॉयल की जाती चीज चीज़ उदा ही किया जाता। ये खीर बनी हुई है, इस तरह ही साढ़े को दूजे भांडे 6 भांडे लगे हुए हैं, ये दाल सब्जी कड़ी जद कि तड़का नहीं ये लगता, बाकी सारिया चीज़ा जीडिया वो बन जाए ने, चाह बना लो, कड़ी बना लो, दाल बना लो, ये सारिया चीज़ जीडिया बहुत सौखिया सोहनिया सुंदर तैयार होंगे जी। सो कार सेवा किला आनंदगढ़ साहब वालों जिस तरह अभी देखा कि होर भी जोड़े है पूरे प्रोजैक्ट के होर जिते सब्जियां वगैरह तैयार की जाएँ, जिमें बाबा जी ने दसिया कि ये जोड़ा है तड़का नहीं लगया जाता, और बाकी जोड़े सारे पकवान जोड़े है वो लंगर के लिए इतने तैयार किए जाते हैं। असं देख सकते किस तरह जोड़ा है दुध ये वालिया जाता है, और आप खीर भी देखी है, होर भी जोड़ा कढ़ी वगैरह हैगा वह भी की जाती है। सो साडे नाल लंगर के नाल संबंधित बाबा जी भी है, सो उन्हां नाल भी आप गल करते हैं। पहला बाबा जी, हाँ जी दसो जी, होले महल्ले मुख रखद होया कार सेवा संप्रदाय वालों गुरु का लाहौर पिभौर साहब कीरतपुर साहब के 2 लंगर चल रहे हैं, गुरुद्वारा चरण कंवल तो बाबा श्री चंद जी के। इस तरह जदों हिमाचल के जाइए डेरा साहब नूं जाण संगतां वास्ते उत्थे भैरा पिंड आ, सलूरी पिंड उहदे नाल भैरा पिंड आ, उत्थे एक लंगर लाया गया। अमृतसर तों आउण वाली संगतां वास्ते बाबा जी का नगर पिंड नौरा, उत्थे भी 24 घंटे लंगर, उस तों अगे करीमपुरा पिंड आ, उत्थे भी बाबा जी वल्लों एक लंगर लाया आ, यानी कि इस संस्था वल्लों होले महल्ले नूं रखदे मुख रखदे आया घट्टो घट्ट 10 लंगर जिहड़े आ 24 घंटे निरंतर चलदे आ, अगों पिछों भी चलदे रहे, पर जिहड़ा होले महल्ले नूं मुख रख के विशेष सेवादारां नूं उत्थे लिआंदा जांदा ते विशेष लंगर जिहड़े उह तैयार कीते जांदे आ, पकवान तैयार कीते जांदे। सो किला आनंदगढ़ साहब कार सेवा वालों जिवें बाबा जी ने दस्सिया कि 10 तों वध जिहड़े हैगे लंगर है वो लगे हुए आ वख-वख थावां ते संगतां दे लाए गए आ, और संगतां 24 घंटे इन लंगरां दा जिहड़ा है वो लाभ उठा रही हैं। और साडे नाल बाबा जी भी है होर भी, सो वह भी प्रबंधक ने इत्थे लंगर दे विच, असीं उहनां दे नाल भी गल करदे हां। बाबा जी की कहना चाहते हो तुहाडा इहदे बारे? इहदे बारे ये बेनती है जी, जिवें हुण मान लो किसान संघर्ष चल रहा दिल्ली दे विच भी इस संस्था वालों लगातार 24 घंटे 4 महीने वो चल रहा लंगर लाया गया, ये सारी कृपा गुरु 10वें पातशाह दे दरबार दी आ, गुरु की कृपा ते संगतां दे सहयोग नाल चल रहा। असीं आप जी नूं आप दे चैनल राहीं संगतां नूं बेनती कर रहे हाँ कि जिवें आप जी इस संस्था नूं अगे भी बहुत प्यार कर रहे जे, प्यार दे रहे जे, जिथे जिथे भी सेवावां चल रही बड़ा योगदान पा रहे, असीं हुण भी आस कर रहे हैं गुरु घर की अरदास कर रहे हैं 10वें पातशाह तेरी जी सिख कौम आ, जे गुरु नानक नाम वाला सिख आ, गुरु नूं मनण वाले आ, जिवें अगे अपना दहान आउंदी किरत विच योगदान पा के इस संस्था का सहयोग कर रहे, आने वाले समय च भी इसे तरह ही करते रहन, देश विदेश दीयां संगतां महाराज कृपा करन, उन्हां दी कमाईआं विच बरकतां पाउण, महाराज का फरमान आ किरत करो नाम जपो वंड के छको। सो इस करके आपां 1 मिनट वाहिगुरु का सिमरन कर लईए, सत नाम वाहिगुरु, सत नाम वाहिगुरु। सतनाम
राम सिंह जी ने दसिया कि किस तरह दिल्ली के जो खेती संघर्ष जिहड़ा चल रहा उहदे लई किसानों वालों जो धरना उत्थे दिता गया उहदे विच भी कार सेवा किला आनंदगढ़ साहब वालों अपना लंगर जिहड़ा निरंतर जारी है। और होर बाबा जी तुसीं लंगरां बारे की कहोगे? करोना बारे जो संगतां दे विच इक मैसेज है कि करोना करके संगत घटती है, सो तुसीं की कहना चाहते इहदे बारे? बाबा जी कहणगे करोना बारे असीं इह कहांगे वी जो वी करोना दी गल चल रही आ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹਟਦੇ ਆ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰਾ ਦੇ ਅਤੇ ਕਾਟੇ ਜੰਮ ਕੇ ਫੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੰਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਰੋਗਤਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਲੰਗਰ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੀਮ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਤਰ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।